people in house, they turn around and was trying to put my dick in the mouth. I never should bring it, paid. सो हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में, जिसमें गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू अप्लाई ग्लिच फाइल इन फ्री फायर, कि आप ग्लिच फाइल कैसे अपने फ्री फायर में लगा सकते हैं। तो गाइज़ आपने देखा यहाँ पर कि मैंने अभी अपने फ्री फायर में ग्लिच फाइल लगा रखी है गाइज, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बंडल्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाती है मीडिया फाइल की लिंक, या कोई भी लिंक जिससे आप डाउनलोड करते हो वहाँ पे टच करना है। और मेरी डायरेक्ट लिंक होती है गाइस, तो आपको सीधा क्या करना है, लिंक डाउनलोड करनी है। मैंने तो डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी, तो आपको इस पर टच करना है, ये ऑलरेडी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ जेड ऐप की, जो है ऐप में जेड अचीवर, जो प्ले स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। ये इसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आपको डाउनलोड करना है और सीधा ओपन से हमें जाना है डाउनलोड में टच किया तो जो फाइल हमने डाउनलोड की है वो डाउनलोड में यहाँ पे आ जाएगी लिखी हुई। तो हमने ये आफ्टर 5 MB अपडेट वाली की थी, इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये अप्लाई टू ऑल फाइल्स और रिप्लेस करते ही ये सब हो जाएगा पूरा। तो ऊपर एक फोल्डर बन जाएगा ये .dth फ्री फायर का, इसे टच करना है और कॉपी कर लेना है इसको। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, वापस यहाँ पर डिवाइस मेमोरी में टच करना है। डिवाइस मेमोरी के बाद आपको एंड्रॉयड में और फिर डाटा में टच करना है, और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है ये ग्रीन वाला, इसे पेस्ट कर दीजिए और अप्लाई टू ऑल फाइल्स एंड रिप्लेस पर टच कर दीजिएगा। मैंने तो की हुई है इसलिए मैंने नहीं किया, आपको रिप्लेस पे करना है और इसे जेड जीओर को सबको हटा देना है रिसेंट ऐप्स में से। और गाइज अब उसके बाद आपको अपना फ्री फायर खोलना है और फिर आप देख सकते हैं कि ग्लिच फाइल लग गई है, ऑलरेडी हो गई है ग्लिच फाइल। अब देखिएगा गाइज यहाँ पर ग्लिच फाइल वर्क करती है या नहीं, और देख सकते हैं आप यहाँ पर गाइज अभी स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज जैसे कि आपने देख लिया कि ग्लिच फाइल वर्क कर चुकी है, लग चुकी है ग्लिच फाइल यहाँ पर यहाँ पे 40 मेरे हाथ में है, क्योंकि वो तो मेरे पास है ही। ये देख सकते हैं ये वाला इमोट मैंने शुरू में भी दिखाया था, ये सब इमोट आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे पास अभी काफ़ी कम इमोट हैं, पर आपको आपके पास जितने होंगे उनका सब कुछ अलग अलग बन जाएगा, आप देख लेना एक बार। और ये इमोट एक से एक मिल जाएंगे आपको, बंडल बहुत बढ़िया बढ़िया है इसमें, आप किसी पे भी कुछ भी टच कर दीजिए वो कुछ ना कुछ तो अलग बन ही जाएगा जो आपके पास है। सो गाइज आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, मैं एक छोटा यूज़र हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना।